का भांजा था लक्ष्मण कुमार, छत पे कुछ काम के लिए चढ़ा था और तार अचानक खींच लिया। इस पर तार बहुत दिनों से काम करता था, कबाड़ी का काम करता था। कितनी उम्र है? 22 साल। कहाँ का रहने वाला था? संत कबीर नगर। बच्चे वगैरह? शादी हुई? अभी शादी नहीं हुआ। टेंशन तार से एक मजदूर इकट्ठा हुए। हाँ, ये हमारे पास कॉल गई थी कि भाई एक मजदूर की डेथ हो गई है टेंशन तार की चपेट में आने से जी। ये नारी रोड अंबेडकर भवन के पास, छत पे मजदूर किसी काम से गया होगा तो हाई टेंशन तार ने ऑटोमेटिक अपने आप कैच कर लिया वो। और इतनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं इसकी लाइन पर, वासी बहुत परेशान इन तारों से। कितने हादसों की ओर बाट देखेंगे। मैं MLA राजेंद्र जून जी है, तीसरी बार बन चुके हैं MLA, लेकिन ये हाई टेंशन तार आज भी जो के तो पड़े लाइन पार में। नरेश कौशल जी रह गए चालिए, वो बना तो उन्होंने अपनी कॉलोनी के हटवा दिया, लेकिन लाइन पार की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। चेयरमैन बनी थी शिला राठी बनी थी, उनसे भी हमने बार बार कंप्लेंट करी थी, उन्होंने भी कोई तार नहीं हटवाए। अब ये नगर परिषद में सरोज राठी चेयरमैन बनी है, इन्हीं के पास भी हम लिखित में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन अब भी लाइन पार के हाई टेंशन तार जो के तो पड़े हैं। अरे निकम्मो, कितनों की मौत हो गया अभी, अपने घर के ऊपर से गुजरवा के देखो तार। ये मजदूर मरा है, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, कैसे परिवार का गुजारा कर रहा होगा ये कमा के। इसकी मौत हो गई, कौन होगा इसकी मौत का जिम्मेदार? और मैं साफ साफ बिल्कुल जाहिर कहता हूँ पब्लिक के सामने, इसकी मौत का जिम्मेदार नरेश कौशिक पूर्व विधायक, चेयरमैन जो तत्कालीन सरोज रमेश राठी है वो, और MLA राजेंद्र जून जी हैं इसकी मौत के जिम्मेदार।